कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो रौनक चले गया स्कूल और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। अभी हो गया दोपहर और मैं यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ और सब्जी मैंने चढ़ाई हुई है इंडक्शन में। तब तक सब्जी बन के भी रेडी हो चुकी है मेरी। और यह आलू मटर गोभी शिमला मिर्च मिक्स सब्जी है और बहुत अच्छी लगती है ये सब्जी सर्दियों में। थोड़े काम मैंने सुबह निपटा लिए थे जब रौनक स्कूल चले गया था, तो थोड़े यहाँ पे बर्तन रह गए थे तो वो मैं धो रही थी। और बेड शीट मैंने सुबह सही की हुई थी लेकिन फिर से वैसी हो जाती है, तो फिर मुझे फिर से 2-3 बार सही करनी पड़ती है दोपहर में। हम लेडीजों का काम वाम कभी ख़त्म ही नहीं होता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है ऐसे ही। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी धूप आई है आज और आपके यहाँ भी इतनी तेज़ धूप आ रही है। ज़रूर बताना मुझे कि आपके यहाँ कैसा मौसम हो रहा है और कैसी धूप निकल रही है कि बादल है। और देखिए कि बहुत अच्छी धूप आई है और मैंने सब कपड़े भी फैला दिए देखिए। और फ्रेंड्स, जो मैंने टमाटर का पेड़ लगाया है उसमें टमाटर निकल आया है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। कहाँ गया ये? और इसमें 2 टमाटर निकल आए हैं और ये भी टमाटर का पेड़ है। फ्रेंड्स, हम अभी आ गए हैं क्लिनिक पे। इनके पैर में स्वेलिंग आ गई थी थोड़ी सी, तो वो इन्हें दिखाने आए थे अभी। तो फ्रेंड्स, इनके पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग आ गई थी और हम लोग डॉक्टर को दिखाने क्लिनिक पहुंच गए थे, तो डॉक्टर ने देख लिया था और कहते हैं कि ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, थोड़े दिन में सही हो जाएगी। क्लिनिक के बाहर बन रही थी चूल्हे पे, यह मिट्टी का चूल्हा है, इस पे बन रही थी गरम गरम टिक्की, तो थोड़ी हमने खा ली थी और हम लोग अब घर को जाने लगे थे। तो रास्ते में यहाँ पे सब्जियाँ मिल रही थी तो मैं देख रही थी, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि सब्जियाँ रखी हुई थी ऑलरेडी फ्रिज में, तो मैंने फिर ली नहीं। और देखो यहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ ये लोग लगाए रहते हैं हमेशा, और ऐसी यहाँ पर मिलती है सब्जियाँ। और ये पपी हमको मिल गए थे रास्ते में, वही जिसको रौनक उठा के लाता है, तो ये मिल गया था हम लोग को। और ये इसका भाई है, ये भी इन्हीं के साथ का पपी है, तो ये दोनों खेल लेते। रौनक यहीं से उठा के ले आता है हमेशा इसको। अभी हो गई है रात फ्रेंड्स, और मैं अब आई हूँ छत में कपड़े लेने, और मैं भूल ही गई थी कि मैंने छत में कपड़े भी फैलाए हैं, तो अभी मुझे याद आ रहा है, कपड़े उठा लेती हूँ। फ्रेंड्स, मैं दिन भर छत में थी धूप में और उस टाइम मुझे याद नहीं रहा। और फिर उसके बाद मैं इनके साथ चली गई थी क्लिनिक, तो अभी मुझे याद आ रहा है एकदम से। और अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बज चुके हैं और मैं अब आई हूँ छत में। फाइनली गाइस, चूहेदानी में चूहा फंस गया है। उस दिन मैंने रोटी लगा के रखी थी तो उस दिन से फंस नहीं रहा था, आज फंसा है। उसने बहुत परेशान करके रख दिया था, पूरा घर में उधम मचा के रखा था, बहुत परेशान करके रखा था। जब भी देखो इधर उधर टहलते हुए दिख जाता था। और आज बहुत टाइम से मैं सोच रही थी ये फंस क्यों नहीं रहा, तो फिर आज फंस ही गया है कैसे भी करके। अब मैं इसको छोड़ के आऊंगी बाहर, अभी दिखाती हूँ आप लोग को मैं। चूहा यही है वो, यही है वो, ध्यान से देखिए इस सातरी चूहे को, ये दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखिए इस चूहे को। बहुत छोटा नाक में दम करके रखा है इसने, वो निकल दिया इसने, नाक में दम करके रखा है इसने। इतने दिन से बहुत परेशान किए थे ना, क्यों परेशान किया रखा था ना इतने दिन से, तुम कहीं से भी कोशिश कर लो नहीं बचोगे आज। आज तो तुम नहीं बच पाओगे चूहे के बच्चे। अरे वो बच्चों तुम पर मार दूँगा अभी दिखा। हेलो और फ्रेंड्स, अब आ गए हम लोग बाहर थोड़ी दूर घर से, चूहे को छोड़ दें। जाओ बाय बाय बेटा, निकलो निकलो निकलो, जाओ 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 जाओ, गो गो हाँ गो,
जाओ भाग गया। अभी अभी हम आए हैं चूहे को छोड़ के। आज के व्लॉग में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।